करो जितना भी जिक्र आका मगर दिल भरता नहीं। करो जितना भी जिक्र आका मगर दिल भरता नहीं। कौन ऐसा मोमिन होगा सुनने को जिसका दिल करता नहीं। कौन ऐसा मोमिन होगा सुनने को जिसका दिल करता नहीं। हर मोमिन को होती है नबी अकरम से मोहब्बत। हर मोमिन को होती है नबी अकरम से मोहब्बत। गर बात ऐसी नहीं तो फिर वो मोमिन हो सकता नहीं। गर बात ऐसी नहीं तो फिर वो मोमिन हो सकता नहीं। ये रिवायत में बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम, कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मैं उसके नज़दीक मोहब्बत में माँ बाप औलाद बीवी बच्चे तमाम लोगों से सबकत न ले जाऊँ। तो मोमिन तो हो ही नहीं सकता, ये तो खुद आका ने फरमा दिया। इसीलिए जिन्होंने तराने पाकिस्तान लिखा है या कह लीजिए कि लिखा था, जिससे मेरी मुराद है अब्दुल हफीज़ जालंधरी मरहूम, उनका एक शेर है और ये जो रिवायत है बुखारी शरीफ में, तो कह सकते हैं कि उसका तर्जमा उन्होंने शेर में बयान कर दिया है। वो लिखते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत। यहाँ एक बात याद रखिए, बाज़ लोग मोहम्मद मोहम्मद बोलते हैं, हम गुजराती लोग खासकर, ये तलफ़्फ़ुज़ गलत है और इसका नुकसान क्या होता है, फिर तकबीर पढ़ने खड़े रहे होंगे, अजान में खड़े होंगे तब भी मोहम्मद बोलेंगे, फिर अगर प्रैक्टिस नहीं है, अचानक खड़ा होना पड़ गया, एक तो अजान की आदत है, इकामत की आदत है, तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन बोलने की आदत है मोहम्मद 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 तो ऐसा ही बोलेंगे। मिसाल ले लीजिए, मैं ये हमारे बड़े मियाँ जो है, अल्लाह ताला इनका साया तादेर हम पर सलामत रखे, जनाब अब्दुस्समद चचा, मैं कई मर्तबा इनका नाम लेके कह चुका हूँ कि इनको समद कहकर पुकारना गुनाह कबीरा है। इनको समद कहना, समद चाचा कहना, समद भाई कहना, या जिसका भी नाम अब्दुस्समद हो उसको समद कहना, साहिब मारिफुल कुरान साबिक मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने मारिफुल कुरान जो है उनकी, हमारी मस्जिद के साथ जो वो कमरा है मुफ्ती सईद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू जहाँ आराम फरमाते थे वो, उसमें ये मौजूद है ये तफसीर मारिफुल कुरान। हज़रत ने शुरू में लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला के जो अस्माए हुस्ना है, मफहूम है, वो दो तरह के हैं, याद रखो। एक वो नाम है जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अलावा मखलूक के लिए भी इस्तेमाल किया। हुजूर का मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकिर भाई कितना ही बड़ा हो, लेकिन हुजूर मखलूक है, अल्लाह अल्लाह है, खालिक खालिक है, मालिक मालिक है। दर्जा आका का कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मखलूक है। अल्लाह तबारक व ताला का रियल नेम हम सब जानते हैं, अल्लाह है, अल्लाह ताला।
और बाकी जो नाम है वो सब निक नेम हैं। कुरान करीम में भी आए हैं कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल-खालिकुल बारीउल मुसव्विर। और आप सब जानते हैं बकिया नाम भी है। अगर अल्लाह ताला ने अपना नाम यानी निक नेम मखलूक के लिए इस्तेमाल किया है तो बगैर अब्द के पुकारना जायज है। और अगर अल्लाह तबारक व ताला ने वो निक नेम अपने लिए खास कर रखा है तो फिर मखलूक में से किसी का नाम है, माँ बाप ने, खानदान वालों ने, तो सिद्दीक भाई कैसे रखा, लफ्ज़ अब्द लगा कर रखा था। लेकिन हमारा गुजराती मुआशरा या कह लीजिए कि इंडियन या एशियन, हम इसका लिहाज नहीं करते। हमारे बड़ों ने तो यहाँ तक लिखा इस वजह से कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस मुआशरे में, जिस खानदान और कुटुंब में अगर लोग इसका लिहाज न करते हो तो अल्लाह ताला के वो नाम जो अल्लाह ताला के साथ खास है, वो सिफत और अब्द लगाकर जायज है, उसे रखो ही मत। अपनी औलाद का वो नाम ही मत रखो, वरना ये गुनाह है। और मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने लिखा कि गुनाह की दो किस्में हैं। एक है गुनाह है बालज़्ज़त। क्या है? गुनाह है बालज़्ज़त। और दूसरा गुनाह है वो है गुनाह है बेलज़्ज़त। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहिब नव्वर अल्लाहु मरकदहू, जिनका मैंने अभी तस्किरा किया, तो हनीफ भाई उनका एक रिसाला है, किताब है उन्होंने लिखी, उस किताब का नाम ही है गुनाह बेलज़्ज़त। किताब है, हज़रत ने तहरीर फरमाया, मफहूम यह है कि कोई गुनाह तो लज्जत वाला हो नहीं सकता। हाँ, ये मोमिन का अकीदा है कि कोई गुनाह में अल्लाह ने लज्जत नहीं रखी है। लेकिन इंसान की हिस मर जाती है और गफलत तारी हो जाती है मुसलमान पर, तो फिर उसे गुनाह में लज्जत आती है एक दर्जे में। जैसे शराब पीना, अगर कोई शराब पिएगा तो लज्जत तो आती है ना मोहसिन भाई? अगर ना आती होती तो कोई क्यों पीता? आती है लज्जत तो, लेकिन वो हिस मर चुकी है। इसलिए लेकिन कुछ गुनाह है, म्यूजिक सुनना, उसमें भी लज्जत आती है। पूछो बड़े मियाँ से, खुद हाँ कह रहे हैं, देखा सही बात है, वापस ये कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि क्या करें। आप उम्र में बड़े हैं, वरना मैं बताता कि क्या करना है, हैं? हाँ, वरना मैं बताता आपको कि क्या करना है। बहरहाल एक दर्जे में चौधरी साहब लज्जत कुछ आती है आदमी को म्यूजिक सुनने के अंदर, लेकिन नाम पुकारना, अब्दुल समद को समद पुकारना, अब्दुल खालिक को खालिक पुकारना, अब्दुल रज़ाक को रज़ाक पुकारना, अब्दुल कादिर को कादिर चाचा पुकारना है, हमारे रावत ते कादिर भी नहीं पाछा अभी साहब, अपने तो चिमाहो बगाड़े ते कादर भाई कहाँ से, अरे कादर कहाँ से आयो है? एक तो अब्दुल कादिर पर थी कादिर नहीं, ने चिमाहो पाछो कादर। तो याद रखो ये गुनाह है। हाँ, दो किस्म के नाम है अल्लाह ताला के सिफत, जैसे अब्दुल रहीम,
किसी का नाम है, अब्दुल रऊफ किसी का नाम है। उसे अगर किसी ने सिर्फ रहीम कहकर पुकारा, जायज है, गुनाह नहीं होगा। अब्दुल रऊफ को किसी ने सिर्फ रऊफ भाई कहकर बुलाया तो भाई जकरिया क्या है, जायज है, गुनाह नहीं होगा। अच्छा यह है कि फिर भी उसे अब्दुल रहीम बुलाओ, अब्दुल रऊफ बुलाओ, ताकि आदत पड़ेगी तो अब्दुल समद को समद नहीं बुलाओगे, अब्दुल रज्जाक को रज्जाक नहीं बुलाओगे, अब्दुल खालिक को खालिक नहीं बुलाओगे, अब्दुल कादिर को कादिर नहीं बुलाओगे, अब्दुल रहीम को रहीम बुलाते रहे, अब्दुल रऊफ को रऊफ बुलाते रहे तो ये आदत पड़ जाएगी। और याद रखना, ये छोटा गुनाह नहीं है, गुनाह है कबीरा है। लेकिन मैं देखता हूँ हमारी मस्जिद में कि अब्दुल समद चचा को अक्सर कि समद भाई कहीं गया, समद चचा कहीं गया हैं। तो आज हम बड़े मियाँ से ये रिक्वेस्ट करेंगे हाफिज इम्तियाज कि आपको कोई समद कहकर बुलाए तो उसको जवाब ही मत दो, और वो कहे कि क्यों जवाब नहीं दे रहे तो उसको कहो कि मेरा नाम तो समद नहीं है, मेरा नाम तो अब्दुल समद है, मैं मेरा नाम तो समद नहीं है। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए तो माशाल्लाह शबीर चचा हर चीज में आका की जिंदगी नमूना है। पहला पारा सूरह बकरा, पौन पारा जहां खत्म होता है थर्ड क्वार्टर, उसकी पहली आयत वो रुकू की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तकूलू राइना वकूलुन ज़ुरना वस्माऊ। एक हरकत तो ये करते थे वो लोग जो दुश्मन थे, दूसरा हुजूर को चिढ़ाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए। हसीम भाई वो लोग क्या करते थे, हुजूर को मोहम्मद नहीं मुजम्मम कहकर बुलाते थे। बिल्कुल अपोजिट माना हो जाएगा, मोहम्मद क्या माना, तारीफ क्या हुआ शख्स, तारीफ क्या हुआ मोहम्मद। मुजम्मम मैं तर्जमा नहीं करूंगा, अब समझ जाइए उसका अपोजिट। बोलते हैं ना कि फना काम वो तो मजम्मत वाला है, या कहते हैं कि फना चीज से कि फना बात की मैं क्या करता हूं, मजम्मत करता हूं। फारूक भाई हमरो पछी हूँ कहवा तो तमें कहे कि हूँ करे हमराय तो मैंने पैसे न हाँ पछी मैंने कहे कि तू बोले हूँ कुआ अल्लाह ना बंदाओं ने एटलू भन हो जुए दिन की बात थती चाहिए हैं तो एक तो तेनी ने पछा डिस्टर्ब करे नहीं कहीं कहवा जाए तो पछी खोटू लागे। मेरा तो जहन हटता है, आप यहाँ आके बैठो बात करके देखो, अगर न होता मुझे मेरा जहन न भिटकना मैं नहीं बोलता उनको। पूरा साल बोला मैं नहीं बोला, विशाबाद है वे शुरू हो जाएंगे लोग, किचन में जाके बैठो, किचन खोल दो उनको बैठना है तो, और उसमें भी ऑफिस का आदमी बैठता है जो कमेटी में है तो क्या बोलेंगे कमेटी वाले, कमेटी वाले बैठते हैं तो। अब ये बात भी बुरी लगेगी, करे वो बुरा नहीं बोले वो बुरा, उल्टी गंगा है हमारे यहां। अल्लाह अकबर। बहरहाल क्या कह रहा है, मोहम्मद और मुजम्मम तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहकर बुलाते थे, मुजम्मम कहकर बुलाते थे। सहाबा को तकलीफ होती थी तो सहाबा किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अब्दुल समद चचा खिदमत में ये बात रखी कि हजरत ये लोग आपको मुजम्मम कहकर बुलाते हमारा दिल दुखता है, आप हमें इजाजत दीजिए हम भी उनको जवाब दे। तो आका ने कितना प्यारा जवाब दिया,
फरमाया अगर वो मुजम्मम कहते हैं तो मुझे थोड़ी फर्क, मुझे थोड़ी कहते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा नाम तो मेरे घर वालों ने मोहम्मद रखा है, है अशोक भाई, मेरा नाम तो मेरे घर वालों ने मोहम्मद रखा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ये लोग मुजम्मम कहते हैं। तो ये है मोहम्मद, तो आपको भी कहना है, कोई आपको समद बुलाए, समद चचा बुलाए तो कहो कि मत देखो, मत जवाब दो, क्योंकि हम समद चचा तो मैं जवाब नहीं है, मारू नाम समद थोड़ी है, मारू नाम तो हूँ जे, अच्छा पहले पूछ लू है पासपोर्ट में मुझे समझ चे कब हाँ तो हार नहीं तो पाची मुसीबत है कि भाई के पासपोर्ट में हमारे समझ एम के लिखा हुए मार सब तमें समझ अब समझ बनाए हुआ। हाँ तो चलो अब्दुल समद चाचा ने बोला कि पासपोर्ट में क्या नेम है, अब्दुल समद जो है वो नेम है। तो नॉर्मली बजाय नाम तो खाली समद है, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो उलमा ने कहा कि मत रखो, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। और अच्छा एक बात, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि घर वाले ने क्या रखा, समद नाम रखा। मैंने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें वो नबी दिया, अल्लाह ने हमें वो शरीयत दी, अल्लाह ने हमें वो दीन दिया, हर चीज़ में नमूना मौजूद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में ये बात भी मिलती है फारूक भाई कि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामों को बदला है, नाम रखा कुछ था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया, बदल दिया। तो ये मसला सिर्फ हुजूर के ज़माने तक नहीं है, बाद में भी अगर किसी ने जाने अनजाने में ऐसा नाम रख दिया कि जिसकी शरीयत मुतहरा सादुल्ला साहिब इजाजत नहीं देती तो बदल दो, क्या कर लो, बदल दो। मैं नाम नहीं, जी पूछिए। खालिद अहमद, खालिद अहमद, खालिद अहमद जी। चले एक अच्छी बात उन्होंने पूछी है, ये टॉपिक फिर कभी छेड़ेंगे, ये अजमी लोगों की आदत है दो नाम रखना, ये दो नाम रखना, ये हम अजमियों की आदत है, अरबों की आदत नहीं है, दो नाम रखना, ये दो नाम हो गए खालिद अहमद। बाज़ लोग रखते हैं मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, और बाज रखते हैं मोहम्मद मूसा, हाँ मोहम्मद यूसुफ, जज़ाकुमुल्लाह। वो रखा वो जो क्रिकेटर था पाकिस्तान का यूसुफ योहन्ना है, तो वो फिर मुसलमान हो गया। अबे तुम्हें कहे कि मतलब तुमने केम खबर, मैंने जकरिया बोडाली में हाथे क्रिकेट रमेला ने जकरिया माशाला सेंचुरी मार ली थी, मैं हमारा बूटी है ने मैं जिन्हें रम्बा लावे बाडोली थी, मरीट टीम होती ने मैं कैप्टन हूँ तो हाँ। तो जकरिया को बहुत दिनों से हम पहले से जानता हूँ। तो बहरहाल क्रिकेट का शौक रहा है, तो वो मोहम्मद यूसुफ ये नाम रखना, ये अजमियों का तरीका है। मैं आपको एक बात बताऊं, बात जरा दूसरी तरफ निकल जाएगी। मुनाजरा हुआ, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर एक जगह है कादियान, क्या है कादियान, वहां के एक आदमी ने नबूवत का दावा किया कि मैं नबी हूं, उससे मुनाजरा हुआ। यहाँ एक बात आपको और बताऊं, जो हमारी तरफ के लोग हैं वो शायद देखी भी होगी वो जगह, नमाज भी पढ़ी होगी, सूरत के अंदर रेलवे स्टेशन और ट्रेन बस स्टेशन ये दोनों करीब करीब है, ये तो सूरत के ही है, देख लो इनकी सूरत। तो बहरहाल क्या है, उसके करीब में एक इदारा है, उसका नाम है सूफी बाग, सूफी बाग। वहां आप दाखिल होंगे तो जैसे ही दाखिल होंगे वुजू खाना है, वुजू खाने के साथ मस्जिद है, और मस्जिद के साथ क्या है, कब्र है, मजार है। वो जो मजार है वो हमारे गांव के शाह सूफी सुलेमान साहिब नवर अल्लाहु मरकदहू का मजार है, वो यहाँ फिर तशरीफ ले आए थे और यहाँ मदरसे की उन्होंने बुनियाद रखी थी।
एक किताब छपी है अभी अखीर में, मौलाना अयूब बंदे इलाही ने छपवाई बड़ी साइज में लेस्टर वाले। उर्दू में उस किताब का नाम है बाग़े आरिफ, और गुजराती में जो छपी है उसका नाम है आरिफोनु उपवन। क्या नाम है? आरिफोनु उपवन, बाग यानी उपवन। उसमें ये किस्सा है, ये जो गुलाम अहमद कादियानी है जिसने नबूवत का दावा किया था, तो शाह सूफी सुलेमान साहिब अलैहि रहमा की हनीफ भाई इनसे मुलाकात हुई है, और मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुनाजरा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो छपा हुआ है क्या बातचीत हुई, अंदर लिखा है आपको देखना हो तो। हजरत मौलाना मरहूम ने गुलाम अहमद कादियानी को खामोश कर दिया। अब ये भी कोई नबूवत है, ये उम्मती के सामने खामोश हो जाए है नबी उम्मती के सामने खामोश हो जाए। अब इससे मुनाजरा हुआ है, ये दो नाम जो पूछा ना शब्बीर चचा ने, वो मैं आपको कहूँ, देखिए नाजायज नहीं है, दो नाम रखना नाजायज नहीं है, बात सही समझना, दो नाम रखना नाजायज नहीं है, लेकिन हुजूर का तरीका भी नहीं है, सहाबा का तरीका भी नहीं है, असलाफ का तरीका भी नहीं है, ये बाद में हम लोगों की इजाद है, हम लोगों की, अरब भी आपको नहीं मिलेंगे इस तरह दो नाम अरबों में। अब इस गुलाम अहमद कादियानी से जिसने नबूवत का दावा किया तो मुनाजरा हुआ। अल्लाह ताला ने हमारे उलमा को माशाल्लाह हैं क्या उलूम दिए थे। एक मर्तबा कोरट के अंदर ये बात लिखी हुई है, मैं ये दूसरी बात आपको सुना रहा हूँ, एक किताब है जिसका नाम है मलफूजात मुहद्दिसे कश्मीरी। क्या नाम है किताब का? मलफूजात मुहद्दिसे कश्मीरी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात हैं, जो देवबंद से बाद में डाभेल आए, और डाभेल का इल्मी एतबार से जो नाम रोशन हुआ है ये हजरत के मरहू ने मिलने, बड़ा जबरदस्त अल्लाह ताला ने हाफजा जहानत अक्ल ये दी हुई थी, और खूबसूरत भी थे खूबसीरत भी थे। मुनाजरा हुआ, ये इस तरफ से जो मुनाजिर आया था उसने कहा कोरट के अंदर कि मेरा इनसे मुनाजरा है, हम कहते हैं कि गुलाम अहमद नबी है, और ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, मैं मुनाजरा एक ही सूरत में करूंगा कि मैं कुरान से आयत पेश करूंगा, इनको जवाब कुरान से देना है, कुरान करीम के अलावा कहीं से जवाब दिया तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, कोरट के अंदर। अब पहले तो हमारे अकाबिन ने भी सोचा है कि यार ये क्या पैंतरा चलने वाला है, पता नहीं क्या है, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, तो जो मुसलमान है तो उनको तो मस्जिद में नहीं आने देते, यानी जो मुसलमान है वो आ सकते हैं, लेकिन जो कादियानी है उनका दाखला मस्जिद में ममनू है, तो उनको रोका जाता था मस्जिद में आने से। तो पहले पारे में सूरह बकरा में एक आयत है, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह अन युज़्कर फीहा इस्मुहु वसअ फी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्यून वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। मफहूम यह है, उससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जो मस्जिद में आने से रोके, अल्लाह ताला का नाम लेने से रोके, और मस्जिद की बर्बादी का सबब बने, जो भी ऐसा करेगा कि मस्जिद में आने से रोकेगा मुसलमानों को, फरमाया लहुम फिद दुनिया खिज़्यून वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये खसीरत दुनिया वल आखिरा है, दुनिया में भी रुसवाए और आखिरत में भी। तो इन्होंने कहा कि देखो ये लोग हमें मस्जिद में नहीं आने देते, ये हमें रोकते हैं,
अब आप जवाब दो, कुरान कह रहा है कि मस्जिद में आने से मत रोको। हम नबी मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आखिरी नहीं मानते। हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल वैसा ही जुमला अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने चौधरी साहब जवाब दिया कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। मफहूम है इसका कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। झूठ, झूठ, बोहतान। एक तो बोहतान है कि मैं आप पे बोहतान बांधू, तो मखलूक ने मखलूक पे बांधा। एक है अल्लाह पर बोहतान बांधना। अरे अल्लाह ने तो तुम जैसे लोगों को आने से मना किया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और तुम गुलाम अहमद को आखिरी नबी कहते हो। अल्लाह तो क्या फरमा रहा है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, और तुम कह रहे हो कि ये नबी है, फिर उसमें वो तावीलात, ये वो फलाना ढिमकाना। तो फरमाया अल्लाह पे तो झूठ है, तो तुमसे बड़ा जालिम तो कोई है ही नहीं। हार गए मुकदमा, हार गए। अच्छा, अब ये दो नाम मैं आपको सुना रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, दो नाम रखना जायज है, लेकिन हमारे असलाब का, हुजूर का ये तरीका नहीं रहा है। अब जब इससे एक मैं फिर बात इधर निकल जाएगी, एक मिनट मैं पूरी कर लूँ, बात फिर रह जाएगी कि दो नाम। अच्छा, इसका नाम था गुलाम अहमद। क्या नाम था? गुलाम अहमद मिर्ज़ा कादियानी का। अब हमारे उलमा का उससे मुनाजरा हुआ, तो हमारे उलमा ने फरमाया कि तू नबी नहीं है, उसकी एक दलील, एक ऐसे बहुत से दलाइल है, एक दलील जिसे आम से आम आदमी, यानी बिल्कुल अनपढ़ आदमी, गैर पढ़ा लिखा आदमी, वो भी समझ जाए। फरमाया हम तुझे वो दलील देंगे और तुझे हराएंगे। कहा क्या दलील? कहा कि नबियों के नाम हमेशा मुफरद हुआ करते हैं। मुफरद, मुफरद यानी एक नाम, सिंगल, ओनली वन, तन्हा, एक नाम। नबियों के नाम के, नबियों की आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए हैं, आप देखिए कुरान करीम के अंदर मजमूई तौर पर, इंशाल्लाह हम 45 तक बात ख़त्म करते हैं, कुरान करीम के अंदर मजमूई तौर पर कितने नबियों के नाम आए हैं? 25, 25 नबियों के नाम आए हैं। उनमें से एक रुकू ऐसा है कुरान करीम में, सातवें पारे में, और बहुत आसान है याद रखना, सातवां पारा जहां पौन पारा खत्म होता है, खत्म होता है, थर्ड क्वार्टर, क्वार्टर, तो वहां से आयत शुरू होती है, हफ़िज़ साहब जानते हैं, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी नरफ़ऊ दरजातिम मन नशा। कल मैंने ज़करिया की मिसाल भी दी थी, वो वही उसमें आयत है, वो ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। तो 25 अंबिया के कमोबेश मजमूई तौर पर नाम आए हैं, या आप 24 भी कह सकते हैं। तो उसमें से चूंकि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, इनके बारे में इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं कि वो नबी थे और बाज़ कहते हैं कि नहीं थे, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। बहरहाल, तो यहां पर एक साथ तकरीबन 16 या 17 हाफिज़ साहब वो एक साथ नाम आ गए हैं। उसमें आप देख लीजिए, जो जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। ज़करिया सिंगल नेम है कि डबल? बोलिए आप। यहया, ईसा, इलियास, फिर क्या है आगे? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, इलियास, ये सब क्या है? लूत, मैंने बोला यहया, ये सब क्या है? अरे बोलो, सिंगल नेम है कि डबल नेम? सिंगल नेम है ना। ये सारे क्या है? हाँ, आदम अलैहिस्सलाम है। ये सब क्या है? सिंगल नेम है। मोहम्मद सिंगल नेम है। तो हमारे उलमा ने उसे फरमाया, अरे यार तुझे, तू तो यहीं हार गया,
और सब समझ जाएंगे हम तुझे इल्मी दलाइल क्या दे। जितने अंबियाए किराम अलैहिम सलात व सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा फरमाया, उनका नाम फारूक भाई कैसा होता था? सिंगल नेम होता था, तन्हा ओनली वन नेम होता था, कमबख्त तेरा डबल नेम है। इससे पता चला कि तू दो नंबर ही है चौधरी साहब, के दो नेम है ये तू दो नंबर ही है, सॉरी के तू जो है वो दो नंबर ही है, तेरी दो नंबर ही होने की दलील ही ये है कि तू गुलाम अहमद है। बाकी अंबिया के नामों की लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, तमाम के नाम क्या है? मुफरद है, तन्हा है, और दो नाम यानी मुरक्कब है। तो ये अब चलन चला है, लोग ठीक है आपके बे नबियों ने नाम रखे ना इनके, मोहम्मद यूसुफ देखिए मोहम्मद भी नहीं यूसुफ भी, मोहम्मद मूसा देखिए बे नबी ना नाम थे गया। तो भाई अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह दो बच्चे देंगे इंशाल्लाह, एक का नाम सिंगल मोहम्मद रख ले, दूसरे का नाम क्या रख ले? यूसुफ रख ले, या आपने क्या कहा? ईसा। हाँ तो मोहम्मद ईसा, तो मोहम्मद एक का नाम रखो, दूसरे का नाम ईसा रखो, एक का नाम मोहम्मद रखो, दूसरे का नाम अहमद जो है वो रखो हैं। और दूसरी बात मैं कहा करता हूँ, खासकर हमारे यूके में और तरक्की याफ्ता ममालिक, अपने तो सिंगल नेम ने होना अल्लू कर लाइक सुलेमान देखे सुली हैं, कोई सुली के अपना सुलेमान अली भाई ने सुली के ने सुलेमान गजिया ने सॉली के हैं, तो उसको क्या बना दिया सिंगल नेम के अंदर भी? जकरिया देखे जाक, हाँ जाक। पहले तो ये सोचना चाहिए अल्लाह के बंदो, नबी का नाम बिगाड़ते हो, नबी का नाम बिगाड़ रहे हो, कैसे तबीयत गवारा करती है, नबी का नाम बिगाड़ रहे हो। इसी तरह धीरे धीरे फिर मामला क्या है, मामला बिगड़ता जाता है, छोटी चीज आदमी तवज्जो नहीं देता है, फिर बड़े काम भी वो क्या है वो करने जो है लगता है। खैर बात चली थी मोहम्मद और मोहम्मद से, हम लोग मोहम्मद गुजराती बोलते हैं, बाज लोग तो लखी भी के मोहम्मद, कोई तो कह मोहम्मद ने पछे आपड़ा भी लोको अजब ना है हावे साहब, अव भी नहीं बनाव जो है कि अम्मद मोहम्मद चणानी दार पोपट है हाँ मने उर्बो याद, तो लेकिन इसमें सीखने की चीज है। अरे यार अहमद को अम्मद बना दिया, मोहम्मद को मोहम्मद बना दिया, और पता नहीं क्या क्या जो है वो बोला। इसलिए याद रखो मोहम्मद दलील के हुजूर के मीम पर पेश है कुरान करीम में 26वां पारा। एक याद रखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम में नामी इसमें गिरामी मोहम्मद पूरे कुरान करीम में 4 जगह आया, कितनी जगह आया? 4 जगह आया है, सबसे पहले चौथे पारे में वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। हाँ उसके बाद फिर 26वें पारे में है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अभी सब दो जगह कहाँ याद है आपको? मा काना जज़ाकल्लाह, मा काना मोहम्मदुन अबाहदिन, और एक और जगह है मोहम्मदिन वहुवल हक्कु मिन रब्बिहिम, है ना? हाँ ऐसा ही है मोहम्मदिन वहुवल हक्कु मिन रब्बिहिम। आप मुझे बताइए चारों जगह मीम पर पेश है कि जबर है? पेश है, तो बस आपकी खिदमत में भी यही बात पेश है, है? इस पे अमल करेंगे। चले चौधरी साहब पूछ रहे थे, पूछ ले क्या पूछ रहे? ना ना बोले बोले आप यूं कहा उलमा ने हुजूर का नाम आसमानों में अहमद है और जमीन में मोहम्मद है, ये कहा? और कुरान में सूरह सफ में है हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने हुजूर का जो तारुफ कराया तो उसमें ये आयत आई है وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ جو ہے وہ آیا ہے، اور اسی سے غلام احمد قادیانی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس نے پھر یہ بھی کہا تھا ایک اور جگہ پر، تو اس کو کہا کہ بھائی تیرا نام تو غلام احمد ہے، اس نے کہا دیکھو अहमद अल्लाह ने फरमाया कि एक नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा, तो कहा मोहम्मद आ गए अहमद नहीं आया, और मैं अहमद हूं तो वो मैं नबी हूं। हाँ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा है, वैसी बात जो है उसने की। तो यहां उसको फिर पकड़ा कि तेरा नाम तो गुलाम अहमद है,
ये मुनाजरा इसका हुआ है अताउल्ला शाह बुखारी से, ये भी बड़े हजीर जवाब थे हमारे बुजुर्गों में। तो कहा कि तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, देखिए वो तो घर वाले प्यार से गुलाम कहते हैं, बाकी मेरा नाम अहमद है वो तो प्यार से कहते हैं। तो अताउल्ला शाह बुखारी ने जवाब दिया कि मेरा नाम भी अल्लाह है अताउल्ला, घर वाले प्यार से अता कहते हैं, मैं अल्लाह तू नबी, मुझे पता कि खुदा ने नबूवत किसको दी है, तो मेरी लिस्ट में तेरी नबूवत नहीं है। सुभान अल्लाह, हम जी वो तो वक्त हो गया इंशाल्लाह, फिर यार जिंदा सोहबत बाकी, कल छुट्टी रखे ना कि मरकज पे जाएंगे आप के होंगे होंगे, हाँ अभी नहीं होगा तो घर में से घसीट के लाएंगे, सिद्दीक भाई जाके भाई को भेजूंगा। सुभान अल्लाह, हम जी सुभान अल्लाह।